हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रसोई। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली मिठाई और इसे मैंने सिर्फ दो चीज़ों से बनाया। तो इसे कैसे बनाएं, आइए हम सीख लेते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिए, तो इसमें मैंने डाला है फुल क्रीम दूध 1 लीटर भैंस वाला। तो अभी हम इसे उबाल आने देते। दूध को हाई फ्लेम पर अच्छे से उबाल आ चुका है। गैस को अभी भी हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे और इसे इस तरह से लगातार चलाएंगे। दूध हमारा पकते पकते आधा हो चुका है, तो अभी हम गैस को करेंगे धीमी आंच पर और धीमी आंच पर हम इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। और जो किनारों पे मलाई आई है उसे भी इस तरह से बीच में करेंगे। हमें इसमें रबड़ी बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, एकदम स्मूथ दूध हमारा बनना चाहिए। तो अभी हमें इसे और पकाना है, तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। आप जितना दूध को लगातार चलाएंगे उतनी हमारी बर्फी अच्छे से चिकनी बनेगी। दूध हमारा पकते पकते आधे से भी कम हो चुका है और एकदम स्मूथ बन चुका है। तो मैंने इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स किया है, तो एकदम ये चिकना हो चुका है। तो इसे हमें और गाढ़ा करना है, तो गैस को अभी भी हम धीमी आंच पर ही रखेंगे। तो इसे और हम गाढ़ा कर लेते और इस तरह से इसे लगातार चलाएंगे, बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, तो अभी हम इसमें डालते हैं चीनी। पाउंड कप से भी हम कम चीनी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये मिश्रण बिल्कुल भी कढ़ाई को नहीं चिपक रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा मिश्रण बर्फी का बन चुका है। तो अभी चीनी को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को अभी भी मैंने धीमी आंच पर ही रखा है, तो एकदम स्मूथ हमारा बर्फी का मिश्रण तैयार हो चुका है। तो अभी हम गैस बंद कर लेते हैं। मैंने गैस बंद कर लिया है। अभी हम तुरंत मिश्रण को एक थाली के अंदर जमा लेते हैं। तो देखने से पता चलता होगा कि मिश्रण कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है और उसे घी लगाकर अच्छे से ग्रीस किया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिर्फ थाली को घी लगाकर ग्रीस कर उसके अंदर मिठाई जमा सकते। तो इसे इस तरह से चम्मच से सब साइड से अच्छे से फैला देते। बर्फी को मैंने ठंडा होने के बाद 1 घंटा फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए, और ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अभी हम टाल लेते। तो एकदम आसान है ये बर्फी बनाना, सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर हमने इसे बनाया है। तो अभी हम इसे एक थाली में रखते हैं। अभी हम इसे चांदी का वर्क लगाएंगे। तो चांदी का वर्क लगाना ऑप्शनल है, मेरे पास घर पर पड़ा था तो इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। तो इसे इस तरह से सब साइड से अच्छे से मैंने लगा दिया है। तो अभी हम इसके चौकोन पीस करेंगे, तो अपने मनचाहे शेप में इसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से किनारों से निकाल लेते ताकि बर्फी के अंदर के पीस बहुत अच्छे से निकल आएंगे। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छी तरीके से ये बर्फी स्मूथ बनी है, एकदम चिकनी, मुंह में डालते ही घुल जाती है और बनाना भी काफ़ी आसान है। तो इस बर्फी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो अभी हम इसे चौकोन शेप में काटते हैं। तो इस तरह से हमारी बर्फी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। एकदम बाज़ार में मिलने वाली मिठाई की तरह ये बर्फी लगती है। अगर आपको मेरा आज वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।